The Kanyakumari Bangalore Express derailed between Somanaya Kanpatti and Pattur region in Tamil Nadu on Friday morning. Additional Director General PR Railways Anil Saxena said relief and rescue operations are in full swing and medical aid is being given to the injured. आज लगभग सुबह 4 बजे के आसपास तमिलनाडु के वेलोर डिस्ट्रिक्ट में जो जोलारपेटाई स्टेशन के पास हमारी एक ट्रेन 16525 कन्याकुमारी बेंगलोर एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई है। रेलवे के हिसाब से ये जगह साउथ वेस्टर्न रेलवे के बेंगलोर डिवीजन में पड़ती है। इस 16525 जो बेंगलोर की तरफ जा रही थी इसके 11 डिब्बे इस हादसे में प्रभावित हुए हैं और इसमें से 8 डिब्बे जो हैं पटरी से केवल उतरे भर हैं और बाकी 3 डिब्बे ऐसे हैं जो थोड़े से तिरछे हुए हैं, पटरी से उतर के थोड़े तिरछे भी हुए हैं। जो डिब्बे पटरी से केवल उतरे भर हैं उसमें स्लीपर क्लास के डिब्बे हैं और थर्ड एसी के डिब्बे हैं। S4, S5, S6 और S10, S11, S12 ये स्लीपर क्लास के और B1, B2 थर्ड एसी के ये डिब्बे पटरी से उतरे हैं और जो 3 डिब्बे हैं जो तिरछे हुए हैं वो S7, S8, S9 है। हमारा पूरा रेलवे का मेडिकल टीम, मेडिकल ट्रेन, रिलीफ ट्रेन सब स्पॉट पे पहुंच गई हैं। लोकल एम्बुलेंसेज वहां टाइम पे पहुंच गई हैं। हमारे जनरल मैनेजर साउथ वेस्टर्न रेलवे के और बंगलोर डिवीजन के डिवीजन रेलवे मैनेजर वो अपने पूरे अमले के साथ वहां स्पॉट पे पहुंच गए हैं। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे युद्ध स्तर पे चल रहा है। माननीय रेल मंत्री जी को भी इस हादसे की जब जानकारी दी गई तो उन्होंने भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत प्रभावकारी तरीके से चलाया जाए और घायलों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। वहीं तिरुपट्टूर अस्पताल में कुछ घायलों को एडमिट कराया गया है। मुख्यालय तक जो सूचना पहुंची है उसके हिसाब से इस हादसे में कोई कैजुअलिटीज की खबर नहीं है, कोई डेथ की खबर नहीं है। The injured have been rushed to the hospital, but no casualties have been reported so far. Correspondent Ronald from Pattur, Tamil Nadu.